अब जब मैं प्रेफरेंस पे गया, इसका मतलब है कि आपके पास इतनी प्रेफरेंसेज हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं 6 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उसमें पहले नंबर पे कौन सी रखनी है ये आप डिसाइड करोगे, दूसरे पे कौन सी रखनी है ये आप डिसाइड करोगे। वैसे तो किस में सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, इनकी रैंक भी अच्छी है, आपने क्या करना है वन बाय वन जो है यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज कोई भी जो आपको बेहतर लगे आप पैक कर सकते हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप इन दोनों से कोई करेंगे, अगर आप किसी जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री मेरे फील्ड से नहीं है लेकिन मैं जा सकता हूँ एक यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे पैक कर सकता हूँ, आप सेव करोगे तो ये क्या होगा आपकी प्रेफरेंसेस में ऐड हुए। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैंने एक तो क्लिक की मेरी फर्स्ट प्रेफरेंसेज भी आ गई। इस तरीके से आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद दूसरी आ जाएगी, डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप ऐसे ही कर सकते हैं। आई हेयर बाई एग्री टू प्ले द डिफरेंट प्रोग्राम देन, मतलब कि यहाँ पर पूछ लिया कि मैं डिफरेंट प्रोग्राम कर सकता हूँ, आप नहीं करने में। अब देखो यहाँ पर प्रेफरेंस है, यू कैन चूज अप टू 12 यूनिवर्सिटीज एंड डिपार्टमेंट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास FSC के बाद काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि आप किसी में भी जो है जा सकते हो। हमारे लिए तो मेरे प्रोग्राम के मुताबिक तो नहीं गया, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही डॉक्टर के लिए भी होंगे। अब जो मेन एप्लीकेशन का जो मेन पार्ट है, जैसे वहाँ पर आप स्टेट डॉक्टर के लिखते थे रिसर्च प्रपोजल बनाते थे, वो है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट जो है इस एप्लीकेशन का बहुत ज़रूरी पार्ट है। जैसे अब उन्होंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, इन दिस सेक्शन इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन फॉलोइंग डिटेल्स योर एकेडमिक्स एंड सोशल एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है जो भी आपका था, एकेडमिक स्टडी, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपकी क्या थी। इन दिस सेक्शन यू आर आस्क्ड टू गिव एग्जांपल विद जनरल नॉलेज अबाउट एकेडमिक स्टडीज इन टर्किश, द प्रपोजल दैट यू प्रपोज इन दिस सेक्शन, मतलब कि ये रिसर्च प्रपोजल है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आप वहाँ पर करना क्या चाहते हो, वर्किंग टाइटल अप टू 15 वर्ड्स, प्लीज राइट अ शॉर्ट लिस्टेड ऑफ योर वर्क एज अ थीसिस और अ टाइटल ऑफ टाइटल, जो भी आपका अपने आप लिखो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो भी वर्किंग टाइटल, मैं काम किस पे करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसके बारे में यहाँ पर बता दूँगा। और वो यहाँ पर लिखेंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, आप जो स्टडी करना चाहते हो उसका नीड ऑफ पर्पस क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, आपने वो यहाँ पे उसकी जो है सिग्निफिकेंस को बयान करना, या नीड ऑफ प्रॉब्लम इतनी है कि भाई ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन पाकिस्तान या जो है सब सारे प्रॉब्लम्स है पानी के, तो मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। रिसर्च मेथडोलॉजी आपकी कौन सी होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सर्वे होगा, एक्सपेरिमेंटल होगी, एनालिटिकल होगी, जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि मैं जो एक्सपेरिमेंटल उस तरह से डिजाइन करूँगी। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी, मतलब कि आपने यहाँ पे जनरल थीम देना है, समरी देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एब्स्ट्रैक्ट को अपना यहाँ पे देना है कि आपका आप करना क्या चाहते हो, या अगर आप कोई कीवर्ड देना चाहते हो आप वो दे सकते हो अपने उसमें।